हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की पोएम 4 कवर करेंगे। नेम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस। उसी पोएम का पार्ट है ये पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो वो जो पोएम थी एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, उसमें एक शेफर्ड था जिसका नाम था एंडीमियन, एक भेड़ बकरी चराने वाला था, उसके बारे में ये पोएम लिखी गई थी। वो एक पोएट भी था और वो माउंट लैटमोस पे रहता था। और फिर एक बार उसे मून गॉडेस, गॉडेस सिंथिया का विजन हुआ। उसने उसको देखा और उसकी ही सुंदरता से प्रभावित होकर उसने ये पोएम लिखी। ये जो पोएम है ये एक ग्रीक लेजेंड पर बेस्ड है। ये जो पोएम है इसे जॉन कीट्स ने एक बहुत ही अलग वे में लिखा है। उन्होंने जो सेंटेंसेस हैं वो जहां पर एंड हो रहे हैं वहां पर पोएम के सेंटेंसेस एंड नहीं किए, मींस जो लाइंस हैं वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होती हैं, तो उन्होंने वहां वहां पर लाइन को ब्रेक किया है जहां पर वो राइम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पोएम की राइम स्कीम को हम पहले समझ लेते हैं किस तरह की राइम स्कीम है। उसके लिए हम पहले पोएम को पढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways. आगे पोएम में वो कहते हैं, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make gainst the hot season the mid-forest break. Rich with the sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. अब आप अगर ध्यान से देखिए इस पोएम को, यहाँ पर देखिए, वैसे हमारा जो लाइन वन है उसका सेंटेंस इंक्रीजेस पर आकर खत्म होता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस यहां से शुरू होना चाहिए, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। लेकिन पोएट ने क्या किया, उन्होंने वर्ड्स में राइम क्रिएट करने के लिए अपने सेंटेंसेस को बीच में ही ब्रेक कर दिया। Forever और never राइम कर रहे हैं, हम इन्हें ए कह सकते हैं। Keep और sleep राइम कर रहे हैं, इन्हें हम बी भी कह सकते हैं। Breathing and breathing are rhyming, we call them CC. Earth and dearth are rhyming, DD. Days and ways are rhyming, EE. Then we move ahead. All and Paul are rhyming, so we can say these are FF. Moon and boon are rhyming, GG. Daffodils and rills are rhyming, HH. Make and break are rhyming, II. Blooms and dooms are rhyming, JJ. Dead and red are rhyming, KK. And then drink and brink are rhyming, LL. तो हर एक दो लाइन्स के लास्ट वर्ड्स में राइम है। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अब जैसे कि ये पोएम अलग अलग स्टैंजास में ब्रेक नहीं हुई है, एक ही पोएम है, एक ही कंटिन्यूटी है, हमने इसे ब्रेक कर दिया है ताकि हम इसे पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो आपने इसकी राइम स्कीम तो समझ ही ली है, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जॉन कीट्स कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। बावर किसे कहते हैं, पेड़ों की जो छांव होती है, ट्रीज का जो शेड होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप इमेज में, दो पेड़ ऊपर हवा में उनके जो ब्रांचेस हैं वो मिल रहे हैं आसमान में, तो वो जुड़ गए हैं, तो उन्होंने एक शेड क्रिएट कर दिया है, उसे बावर कहा गया है।
पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी सुंदर चीज, कोई भी भगवान की क्रिएशन, कोई भी नेचुरल क्रिएशन इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए हमें खुशियां देती है, वो एक खुशियों का सोर्स है। कोई भी सुंदर चीज देख के हमें अच्छा लगता है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, टाइम के साथ उसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मींस खत्म हो जाना। तो वो कहते हैं कि कोई भी सुंदर चीज कभी खत्म नहीं होती, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। वो कहते हैं कि कोई भी सुंदर चीज की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो तो एक छावदार पेड़ की तरह होती है, जैसे छावदार पेड़ के नीचे हम आराम से सो जाते हैं, अच्छे सपने देखते हैं, हमें अच्छी सेहत मिलती है और हम आराम से चैन की सांस ले सकते हैं, उसी तरह से एक सुंदर चीज को देख के भी हमें सेम फीलिंग होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस कौन से यूज हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर क्या होता है, कोई भी दो चीजों की किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है। जब यहाँ पर पोएट कहते हैं अ बावर क्वाइट फॉर अस, तो वो एक पेड़ की छांव को, एक ट्री की शेड को एक ब्यूटीफुल थिंग के साथ कंपेयर कर रही हैं। वो कहते हैं कि एक सुंदर चीज पेड़ की छांव की तरह होती है, जैसे पेड़ की छांव में हमें चैन की सांस मिलती है, अच्छी नींद आती है, इसी तरह एक सुंदर चीज को देखकर भी हमें ऐसा ही फील होता है। तो उन्होंने ट्री की शेड की इस क्वालिटी को सुंदर चीज की क्वालिटी के साथ कंपेयर किया है। दिस इज द डिवाइस ऑफ मेटाफर। फिर हमें थ्रू आउट द पोएम एंजैबमेंट भी देखने को मिलता है। एंजैबमेंट क्या डिवाइस है, जब आपका एक ही सेंटेंस एक से ज्यादा लाइन में कंटिन्यू होता है और उसके एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। अब यहाँ देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। दिस इज द सेम सेंटेंस विच इज मूव्ड इनटू द सेकंड लाइन आल्सो एंड देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क ओवर हियर, सो दिस इज एंजैबमेंट। पूरे पोएम में, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोएट ने सेंटेंसेस को अलग अलग लाइन्स में डिवाइड कर दिया है राइम बनाने के लिए, उनको म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए, इसीलिए हमें एंजैबमेंट पूरी पोएम में देखने को मिलती है। नाउ लेट अस मूव अहेड, ही सेज, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज of all the unhealthy and over-darkened ways. Morrow here means the next day. जैसे हम कहते हैं ना tomorrow, तो morrow means the next day. Wreathing means encircling, means किसी चीज के ऊपर कुछ लपेटना. Band here means फूलों का बना हुआ एक गुच्छा. Bind means किसी के साथ एक चीज को बांध देना, उसे जोड़ देना. Spite means an ill feeling, किसी के प्रति एक गलत भावना, एक बुरी भावना रखना, उसके बारे में बुरा सोचना. Despondence means gloom, sadness. Inhuman means cruel. Inhuman means harsh. Dearth means lack of something, scarcity, कमी होना किसी चीज की. Noble means good, kind-hearted. And over-darkened ways means unhealthy or evil ways to fulfill your desires and goals. यानी कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपनी कोई भी जो achievements है उन्हें पाने के लिए, अपने targets को accomplish करने के लिए आप गलत रास्ता अपनाते हैं, उसे कहेंगे over-darkened ways. तो इन lines में poet कहते हैं, क्या हर एक दिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को earth के साथ bind कर रहे हैं. We are wreathing a flowery band to bind us to the earth. हम एक ऐसा फूलों का गुच्छा क्रिएट कर रहे हैं, एक सुंदर गुच्छा क्रिएट कर रहे हैं जो हमें धरती के साथ बांध सके. और वो सुंदर गुच्छा किस चीज का है, यही नेचुरल ब्यूटी का. ऐसी सुंदर सुंदर चीजें जो हमें देखने में अच्छी लगती हैं, हम उनकी यादें इकट्ठी करते हैं, हम उन्हें देखते हैं और इसी चाहत में कि हम और सुंदर सुंदर चीजों को देखें, हम अपने आप को धरती के साथ जोड़े रखते हैं. वो ये कहना चाहते हैं कि इन सुंदर चीजों के अलावा जीने के लिए और कोई आकर्षण नहीं है,
दिस इज द ओनली गुड थिंग अबाउट लिविंग ऑन दिस अर्थ। इसके अलावा हमारे जीवन में क्या है? इल फीलिंग्स है, सैडनेस है, इनह्यूमैनिटी है, नोबल लोगों की कमी है, डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ग्लूमी डेज हैं हमारे जीवन में, सारे दिन सैडनेस और दुख से भरे हुए हैं और हम अलग अलग गलत तरीके अपनाते हैं अपने जीवन में अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। तो वो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या है, सैडनेस है, दुख है, चीटिंग है, लड़ाई झगड़ा है, नफरत है, चोरी चकारी है, और जितनी भी अच्छी चीजें हैं जैसे किसी की मदद करना, नोबल होना, किसी का दुख दर्द बांटना, सिंपथेटिक होना, वो सब कुछ तो खत्म ही हो गया है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो सुंदर चीजें हैं, जो भगवान ने सुंदर सुंदर चीजें क्रिएट की हैं, वही एक ऐसा आकर्षण है, वही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम अपने आप को धरती पर जिंदा रखते हैं, जीते हैं, वो हमारे जीने का मकसद है। उसके अलावा जीने के लिए और कोई भी अच्छी चीज नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। सबसे पहले वी रेथिंग, ये दोनों वर्ड्स में हमें एलिट्रेशन देखने को मिलता है। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? इन इंग्लिश अल्फाबेट्स यू हैव फाइव वावल्स, दैट इज ए ई आई ओ यू। उनके अलावा जो अल्फाबेट्स हैं दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, और जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की स्टार्टिंग में जो इकट्ठे आते हैं कंसेक्यूटिव वर्ड्स, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स में व साउंड से स्टार्टिंग हो रही है, दिस इज एलिट्रेशन। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट पोएटिक डिवाइसेज दैट आर यूज इन पोएट्री, वी हैव अ सेपरेट वीडियो लेसन ऑन पोएटिक डिवाइसेज, यू कैन चेक आउट दैट लेसन, आई हैव एडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हमें यहां पर भी एलिट्रेशन देखने को मिलती है, बैंड बाइंड, बोथ दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद ब साउंड, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। नोबल नेचर्स, बोथ दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद न साउंड, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। नेक्स्ट डिवाइस इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? जब दो साथ साथ वाली लाइन सेम वर्ड से शुरू होती है, ये दोनों लाइन्स ऑफ वर्ड से शुरू हो रही है, दिस इज कॉल्ड द डिवाइस ऑफ एनाफोरा। Then we get to see a metaphor here also. There is an indirect comparison between two things. यहाँ पर देखिए, a flowery band. फूलों का गुच्छा किस चीज को कहा गया है? Creations of beauty को, creations of nature को एक flowery band कहा गया है। तो writer ये कह रहे हैं, जिस तरह से एक फूलों का गुलदस्ता भी हमें देखने में अच्छा लगता है, उसी तरह से जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं धरती पर जिन्हें भगवान ने क्रिएट किया है, वो भी उसी तरह से हमें सुंदर लगती हैं और वो हमें आकर्षित करती हैं, वो हमें धरती के साथ बाइंड करती हैं, बांधती हैं और हमें जीने का एक मकसद देती हैं। सो दिस इज अ मेटाफर, द फ्लावरी बैंड इज कंपेयर्ड टू ऑल द ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ नेचर, ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। नाउ वी मूव अहेड, इन द नेक्स्ट लाइंस ही सेज, मेड फॉर आर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. Made for our searching, हमारे पिछली लाइन के साथ जुड़ा हुआ है जब उन्होंने कहा था and over darkened ways made for our searching. तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे over darkened ways हैं, जो हमारे evil ways हैं जिन्हें हम अपनाते हैं अपने aims को पूरा करने के लिए, वो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम अलग अलग चीजों को ढूंढ रहे हैं, हम उन्हें पाना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल मींस इन सब नेगेटिव चीजों के होने के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत सुंदर होती हैं, जो भगवान ने बनाई हैं, नेचुरल ब्यूटी की चीजें हैं जो कि हमारे पॉल को हटा देती हैं। पॉल मींस सैडनेस, ग्लूम। जो भी हमें दुख मिलता है, जो भी हमें ईवल चीजें देखनी पड़ती हैं, जो भी इनह्यूमन लोग हैं या ईवल वेज हैं जो वो अपनाते हैं दुनिया में, उन सबकी जो सैडनेस है उन्हें क्या चीज हटा देती है? सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ ऐसी सुंदर चीजें जो भगवान ने क्रिएट की हैं, वो इस दुख को हटा देती हैं। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, तो हमारी जो स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट्स मीन्स हमारी सोल, वो भी डार्क हो गई है, वो भी
शैडोड हो गई है, इट हैज बीन शैडोड बाय सैडनेस। हमारी सोल पर अंधकार छा गया है बिकॉज ऑफ द सैडनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन में दुख देने वाली इतनी सारी चीजें हैं कि जॉन कीट्स कहते हैं हमारी सोल पर अंधकार छा गया है। उस अंधकार को हमारी सोल से क्या चीज हटा देती है? कोई भी सुंदर चीज उस अंधकार को हटा देती है। और फिर उन्होंने कुछ सुंदर चीजों की एग्जाम्पल्स दी हैं, द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग यानी कि छोटे बड़े पेड़, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। शेडी बून, बून मीन्स एन एडवांटेज और अ ब्लेसिंग। तो जो पेड़ हैं, जो जगह जगह उगते हैं, स्प्राउटिंग मीन्स ग्रोइंग, ये पेड़ हमें छाया देते हैं जो कि एक ब्लेसिंग है, जो कि एक आशीर्वाद है। तो ये कुछ वो क्रिएशंस हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो हमारे जीवन से सैडनेस के अंधकार को हटा देती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। यहाँ पे यूज हुआ है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस इज द यूज ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स इन क्लोज प्लेसमेंट। यानी कि पोएट ने बिल्कुल साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दिए जिनका ऑपोजिट मीनिंग होता है, उसे कहते हैं एंटीथीसिस का डिवाइस। यहाँ देखिए, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ओल्ड एंड यंग, बोथ दीज वर्ड्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो दिस इज द डिवाइस ऑफ एंटीथीसिस। देन अनदर डिवाइस हैज बीन यूज्ड, दैट इज इमेजरी। इमेजरी इज द क्रिएशन ऑफ अ सीन इन द माइंड ऑफ द रीडर। यहाँ पर देखिए, जब पोएट लिखते हैं स्प्राउटिंग अ शेडी बून, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े घने घने पेड़ हैं जो उग रहे हैं और वो एक बहुत ही अच्छी छाया दे रहे हैं। नेक्स्ट ही सेज, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। डैफोडिल्स आर अ टाइप ऑफ फ्लावर। रिल्स आर स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, जिसे हम झरना भी कहते हैं। कवर्ट मीन्स अ सीक्रेटिव थिंग एंड ब्रेक हियर मीन्स अ थिक मास ऑफ फर्न्स। फर्न्स एक टाइप ऑफ प्लांट है, तो बहुत सारा फर्न जहां पर उगा हुआ है उसे पोएट कह रहे हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि जंगल के बीचों बीच इस पौधे के बहुत घने घने पेड़ लगे हुए हैं। फॉर सिंपल शीप, ये कंटिन्यू हुआ है हमारी पिछली लाइन से, जब पोएट ने कहा था स्प्राउटिंग अ शेडी बून, तो वो कह रहे हैं कि जो ट्रीज हैं वो उगते हैं और वो शेड देते हैं जो कि एक ब्लेसिंग है शीप के लिए। जहां पर शीप चरती है उन पेड़ों की छाया में वो रहती है, घूमती है और उसके लिए वो एक ब्लेसिंग की तरह है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। फिर वो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक और ब्यूटीफुल क्रिएशन है गॉड की, वो है डैफोडिल फ्लावर्स, जो कि ग्रीन वर्ल्ड के बीच में रहते हैं। यानी कि सुंदर सुंदर अलग अलग रंगों के फूल हैं जो कि हरियाली, हरे हरे पत्ते, स्टेम्स और अलग अलग पौधों के बीच में उगते हैं और वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और फिर एक और सुंदर चीज है, वो है क्लियर रिल्स, यानी कि पानी का झरना। वो कहते हैं कि पानी का झरना भी बहुत खूबसूरत है, और वो क्यों सुंदर है? क्योंकि वो एक ठंडक का खजाना है, वो एक सीक्रेटिव जगह है। सबको नहीं ये चीज ओपनली पता कि ये जो झरना है, ये जो बहता हुआ झरना है, ये बहुत सारी ठंडक देता है सबको। झरने का पानी बहुत ठंडा होता है, पहाड़ों से बहता हुआ आता है, और ये गर्मी के मौसम में सब लोगों को ठंडक देता है। तो जब ये जंगल से बहता है तो ये सब जंगल के प्राणियों को ठंडक देता है गर्मी के मौसम में। और फिर वो कहते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ये आगे सेंटेंस कंटिन्यू होगा जो हम फर्दर पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। यहाँ पर भी हम एलिट्रेशन देख सकते हैं इन लाइन 3। एलिट्रेशन हैज बीन डन इन कूलिंग कवर्ट। क साउंड इज रिपीटिंग इन बोथ दीज वर्ड्स। एंड देन देयर इज इमेजरी ऑल्सो। हम इमेजिन कर सकते हैं कि पानी का झरना है जो बह रहा है और वो पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है। So this is again imagery. और enjambment जैसे मैंने आपको बताया था, वो तो पूरी poem में ही use हुई हुई है। बहुत सारी ऐसी lines हैं जहां पर
कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज हुआ एंड में और सेम सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट लाइन में। अब हम आगे चलते हैं। पोएट कहते हैं, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। मस्क रोज इज अ टाइप ऑफ रोज फ्लावर लाइक यू कैन सी ओवर हियर एंड ब्लूम्स मीन्स खिलते हुए गुलाब के फूल। ग्रैंड्योर मीन्स इम्प्रेसिवनेस, कोई चीज जो बहुत महान है वो बहुत इम्प्रेसिव हो जाती है, लोगों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। माइटी मीन्स पावरफुल, वेरी ब्रेव। इमॉर्टल मीन्स इटर्नल, कोई ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी मरती नहीं है, जो फॉरएवर होती है। ब्रिंक मीन्स एज, किनारा। डूम्स हियर वी कैन से इट मीन्स डिस्ट्रक्शन। तो जो पिछला लाइन था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो फॉरेस्ट के फॉरेस्ट में, जंगल में फर्न्स का एक बहुत बड़ा झाड़ है और उसके बीच में इट इज रिच, यानी कि वो बहुत ज्यादा रिच हो गया है, बहुत ज्यादा सुंदर हो गया, क्योंकि उसमें रोज के फूल भी खिल रहे हैं। तो ये जो फर्न्स का झाड़ है इसमें रोज के फूल जो खिल रहे हैं वो भी एक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी है, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। और फिर वो कहते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन यानी कि जो वॉर की कहानियां हैं वो इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव हैं। सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, यानी कि डिस्ट्रक्शन और वॉर की जो कहानियां हैं वो भी बहुत इम्प्रेसिव हैं, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, उनसे भी हम प्रभावित होते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जितने भी बहादुर लोग थे, जितने भी वॉरियर्स हुआ करते थे, द ब्रेव मैन, उनकी कहानियां जब हम सुनते हैं वो भी हमें बहुत प्रोत्साहन देती हैं, हमें बहुत अच्छा महसूस करवाती हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, तो कहते हैं कि ये सब कहानियां बहुत सुंदर हैं, चाहे हमने कहानियां किसी से सुनी हैं, चाहे हमने इन्हें किताबों में पढ़ा है, ये कहानियां सुनकर पढ़कर भी हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये भी एक सुंदर चीज है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। पोएट कहते हैं कि ये जो सुंदर चीजें हैं इन्हें भगवान ने क्रिएट किया है, तो ये एक बहुत ही सुंदर झरने के बराबर है, एक ऐसा ड्रिंक है जो कि इमॉर्टल है। इमॉर्टल मीन्स वो कभी खत्म नहीं होता। तो भगवान के घर से, हेवन से, हेवन के किनारे से हमारे ऊपर एक बहुत ही अच्छे ड्रिंक का झरना बहता है, फाउंटेन बहता है, जो एंडलेस है, जो कभी खत्म नहीं होता। और ये इमॉर्टल चीजें क्या हैं? ये वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जिनकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। तो बहुत ही सुंदर पोएम लिखी है पोएट ने, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है और इनकी खासियत हमारे सामने शेयर की है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। यहाँ पर इमेजरी भी यूज हुई है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बुश है जहां पर मस्क रोजेस खिल रहे हैं। फिर यहाँ पर मेटाफर भी यूज हुआ है। देर इज एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन एन इमॉर्टल ड्रिंक एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज लाइक एन इमॉर्टल ड्रिंक जो हमारे ऊपर हर वक्त खुशियां बरसाती रहती है। सो ब्यूटिफुल थिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड टू एन इमॉर्टल ड्रिंक बिकॉज दे गिव अस अ लॉट ऑफ happiness in our lives. And students, I would like to tell you that if you want to see the important question and answers from the poem A Thing of Beauty, we have a separate video. I have added the link of the video in the description box. वहाँ से आप इसके question answers prepare कर सकते हैं. And then you all know that MCQs are very important. So if you want to prepare multiple choice questions from the poem A Thing of Beauty, we have another video on that. वहाँ से आप इसके multiple choice questions भी prepare कर सकते हैं. And with this, we come to an end of this session where we have discussed the poem A Thing of Beauty. I hope you liked the video, and for many more such helpful videos, please hit the bell icon
so that you get notified regarding the next uploads, and also subscribe to the channel English Academy for many more such beneficial videos on English. So with this is Ruchika signing off. Until we meet next, take care and goodbye.